हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फायर के बारे में कि फायर होता क्या है, फायर कितने टाइप्स के होते हैं और इन्हें कितने क्लासेस में डिवाइड किए हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि जो एक्सटिंग्विशिंग मेथड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसे किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं कि फायर होता क्या है। फ्रेंड्स, फायर एक तरह का हेक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। हेक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स मैम कि अगर यदि दो कंपोनेंट आपस में अगर रिएक्ट करते हैं तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो इसे ही हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। फ्रेंड्स, फायर जो होता है वो एक्चुअली में एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि फायर में जो एलिमेंट्स होते हैं हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगला हम बात करते हैं फ्रेंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में। फ्रेंड्स, जो फायर होते हैं उसे बेसिकली चार क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट आपका होता है क्लास ए फायर, जिसमें आपके जितने भी सॉलिड मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे कि अगर आग लगता है तो वो एस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया एंड रबर हो गया। देन अगला हम बात करेंगे क्लास बी फायर के बारे में, जिसे हम लिक्विड फायर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तार हो गया, यदि अगर इनमें अगर फायर जनरेट होता है तो इसे हम लिक्विड फायर के नाम से भी जानते हैं। अगला हम बात करेंगे फ्रेंड क्लास सी फायर के बारे में, जिसे गैसेस फायर बोलते हैं, जिनके अंतर्गत आपके एलपीजी होते हैं, सीएनजी होते हैं, जिसमें कि आपके जो ब्यूटेन हो गया, मीथेन हो गया, यदि अगर इनमें किसी भी तरह के अगर फायर जनरेट होते हैं तो उसे हम गैस फायर भी कहते हैं। अगला हम बात करेंगे क्लास डी फायर के बारे में, जिनमें जितने भी हमारे मेटल जो इन्वॉल्व होते हैं, जो जलने वाले होते हैं, जैसे कि हो गया आपका टाइटेनियम हो गया, जर्कोनियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे मेटल फ्रेंड्स जलने वाले होते हैं, जिसे हम क्लास डी फायर में इन्वॉल्व करके रहते हैं, इसे हम मेटल फायर के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे फ्रेंड फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के बारे में। फ्रेंड्स, जो फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड होता है वो बेसिकली चार तरह के होते हैं, जिसमें से आपका स्टारवेशन, कूलिंग, स्मूदरिंग एंड आपका चैन रिएक्शन। यदि हम बात करें फ्रेंड्स जो स्टारवेशन होता है उसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जो स्टारवेशन होता है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह के अगर फायर जनरेट हुए हैं, यदि उसमें से अगर हम फ्यूल को वहां से अगर रिमूव कर देते हैं तो वो हमारा स्टारवेशन कहलाता है। अगला जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है कूलिंग मेथड, जिसका मतलब होता है अगर किसी भी तरह के अगर फायर जनरेट हुए हैं, यदि उसको अगर हम कंट्रोल करना रहेगा तो उस जगह के जो हीट रहते हैं वो हम कम करके या फिर जो फायर से उस हीट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो वो प्रोसेस हमारा कूलिंग मेथड कहलाता है। अगला होता है फ्रेंड्स आपका, यदि कहीं पर अगर आग लगी है, अगर उस पर हमें कंट्रोल पाना है, उसे एक्सटिंग्यूश करना है, तो उसमें से अगर हम ऑक्सीजन को वहां से अगर हम रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो जो फायर होता है वो ऑटोमेटिक एक्सटिंग्यूश हो जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। अगला जो लास्ट जो चौथा होता है फ्रेंड्स वो होता है चैन रिएक्शन। यदि अगर हम चैन रिएक्शन यानी कि जो हमारे टेट्राहेड्रॉन होते हैं उसमें से अगर किसी भी तरह के अगर डिस्टर्बेंस कर दें या फिर हम फ्यूल, हीट या ऑक्सीजन को वहां से अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा कहलाता है फ्रेंड चैन रिएक्शन, जिससे कि उनमें अगर किसी भी तरह के डिस्टरबेंस होते हैं तो जो फायर होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारा एक्सटिंग्यूश हो जाता है। अगला हम बात करेंगे फ्रेंड एक्सटिंग्विशिंग ऑपरेटिंग मेथड के बारे में। फ्रेंड, एक्सटिंग्विशिंग जो ऑपरेटिंग मेथड होता है वो बेसिकली हम उससे दो भाग में डिवाइड करके रखे हैं। पहला जिसमें से होता है आपका पास और दूसरा होता है PAAS। फ्रेंड्स, जो पास मेथड होता है वो बेसिकली हमारे तीन एक्सटिंग्विशर में यूज किए जाते हैं, जिसमें से आपका हो जाता है वाटर एक्सटिंग्विशर, आपका फॉर्म एक्सटिंग्विशर और डीसीपी एक्सटिंग्विशर। जो अगला होता है हमारा फ्रेंड्स पास PAAS मेथड, वो हम ज्यादातर आपके CO2 जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें यूज करते हैं। यदि हम बात करें फ्रेंड्स इन दोनों मेथड के फुल फॉर्म के बारे में, कि इन दोनों का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर हो गया, फॉर्म एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर डीसीपी एक्सटिंग्विशर हो गया, जब हम इन तीनों एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हैं तो वहां पर हमारा PAAS मेथड यूज में लाते हैं, जिसका मतलब P होता है फ्रेंड्स, P का मतलब होता है पुल द पिन। फ्रेंड्स, जो भी हमारा एक्सटिंग्विशर रहेगा उसमें से जो सेफ्टी क्लिप रहेंगे पहले उसे पुल करना रहता है। अगला होता है फ्रेंड्स आपका A। A फॉर होता है आपका एम एट द बेस ऑफ द फायर, जिस भी फायर को हमें कंट्रोल करना रहता है उस फायर के बेस पर जो नोजल रहते हैं एक्सटिंग्विशर के उसे एम करना रहता है। देन होता है फ्रेंड्स आपका S। S का मतलब होता है स्क्वीज द हैंडल या लीवर, जो एक्सटिंग्विशर के जो ऑपरेटिंग लीवर्स रहते हैं, जो हैंडल रहते हैं उसे स्क्वीज करते हैं, जिससे कि डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू जो हमारा एक्सटिंग्विशिंग कंपोनेंट रहता है वो डिस्चार्ज होता है, जिससे कि फायर कंट्रोल होता है। देन होता है फ्रेंड अगला एस। एस का मतलब होता है स्वीप, टू साइड टू साइड। फ्रेंड्स का मतलब होता है कि जो नोजल रहता है, जो डिस्चार्ज ट्यूब रहता है उसे हम साइड बाय साइड उसे मूव करते हैं, ताकि उस फायर को हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। सारी फायर्स के बारे में यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।